फेवरेट मक्खन अल्ल कौन आए ने जरा कमरा बस और रिश्ते तो ना दो अरे हाथ दुख तो ऐसा हां आले पण तिकडे कोण आहे ना अजून किती लोक येऊन देतील तुम्हाला हे दाखव ना यार काय ना करा Hi friends, hello, नमस्ते. मैं शेफ राकेश हूँ. आज मैं आपके सामने एक वसई की पारंपरिक डिश लेके आया, उसका नाम है वाल वांगे की भाजी, जिसको ये बहुत एक फेमस सब्जी है यहाँ पे वसई में, उसको पावटा सब्जी भी बोलते हैं. मैं आपको इसकी एक अच्छी ट्रेडिशनल रेसिपी दिखा रहा हूँ जो हमारे दादी माँ से बहुत पुरानी पारंपरिक चली आ रही है. चलो मैं आपको उसको लगने वाले सामग्री बताता हूँ उसके लिए क्या क्या जाएगा. सभी लोग मेरे को सुन रहे हैं ऑनलाइन? आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ.
हम आज बना रहे जो वाल वांगे जी भाजी, उसके लिए हमको लगने वाला ये सब्जी है। देखिए ये जो ऐसा सब्जी रहता है उसके अंदर जो बीन्स रहता है, इसको बीन्स को ऐसा निकाल के लेने का है। ये महाराष्ट्र में बहुत इसकी सब्जी है ना फेमस है, आप कहाँ पे भी मार्केट में जाएंगे तो आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसको पावटा भी बोलते हैं, कुछ लोग वाल पापड़ी बोलते हैं। ये इस तरह आप इसका दाना है ना जो बीन्स है उसको निकाल के लीजिए। देखिए मैंने ऑलरेडी ये यहाँ पे निकाल के रख दिया है, देखिए मैंने ऑलरेडी सब लिया है, ये मैंने पाव किलो लिया है। और ये ड्रम स्टिक है, एक ड्रम स्टिक लिया है मैंने, इसको अच्छी तरह से उसका स्किन निकाल के उसको 3-2 इंच के साइज में कट किया है मैंने। तो इसको भाजी को बनाने के लिए हमको सामग्री चाहिए, देखिए एक पावटा सब्जी, बीन्स चाहिए, ड्रम स्टिक चाहिए, एक आलू को मैंने पील करके उसको डाइस कट किया है, एक बैंगन लिया है छोटा साइज का उसको मैंने कट किया है, हींग लगेगा, राई, मस्टर्ड सीड्स, क्यूमिन्स, जीरा, करी लीव्स, कड़ी पत्ता, अदरक लिया है, बारीक चॉप अदरक भी लिया है, इसको एक प्याज दिया है इसको मैंने स्लाइस कट किया है, लाल मिर्ची पाउडर लिया है, हल्दी, नमक, जैगरी लगेगा इसमें, और गरम मसाला का पाउडर लिया है। स्पेशली ये जो सब्जी बनती है ये बनती है ऑयल में, लेकिन आज मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाने वाला हूँ। इसके अंदर मैं डालने वाला हूँ अमूल का शुद्ध प्योर घी, क्योंकि प्योरता ये अमूल की पहचान है, और जो घी डालेंगे तो उसका आस्वाद थोड़ा अलग आएगा, उसमें बहुत सारी जो उसका खाने का अरोमा अच्छा नहीं आएगा, तो आपको स्वाद भी बढ़ेगा खाने का। और ये बहुत स्वादिष्ट है, ये आप जरूर ट्राई कीजिए घर पे, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम लोग सब्जी बनाने चालू कर देते हैं। मैं गैस को चालू कर रहा हूं। ये सब्जी स्पेशली बनती है ऑयल में, लेकिन मैं ये थोड़ा अलग तरीके से अमूल का घी घी डाल के बना रहा हूँ। हमें इस सब्जी के अंदर 3 चम्मच अमूल का शुद्ध घी डालने का है। घी को अच्छी तरह गरम करके लेने का है, घी को जलाने का नहीं है, हमको घी को उतना ही गरम करने का है जिसके अंदर उसको तड़का लग सके। हमको उसके अंदर मस्टर्ड सीड डालने का है राई को। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आप जरूर ट्राई कीजिए, ट्राई करें। मैं जो बाबूलाल जी जो बोल रहे हैं उनको मैं बाबू से बाबूलाल जी, ये आप सब्जी जरूर ट्राई कीजिए, ये दादी माँ की रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आएगी। देखिए अभी अपना हमारा घी गर्म हुआ है, मैं घी के अंदर 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स राई डाल रहा हूं। घी को अच्छी तरह घी अच्छा गर्म हुआ है, देखिए उसके अंदर मैं 1 टीस्पून जीरा डाल रहा हूं। अभी मैं कड़ी पत्ता डाल रहा हूं, 7-8 कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डालेंगे थोड़ा सा आप ध्यान रखें, क्योंकि कड़ी पत्ता जैसे डालेंगे आज थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी मैं चॉप किया हुआ डाल रहा हूं इसके अंदर,
रेसिपी का नाम है वाल वांग्याची भाजी। वाल वांग्याची भाजी ये रेसिपी महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन डिश है, वसई में स्पेशली। देखिए अब मैं अंदर हाफ टी स्पून हींग डाल रहा हूँ, एसएफओटीडा। ये ट्रेडिशनल डिश है, आप बनाइए जरूर। हमारे इधर वसई में सबकी फेवरेट है, यहाँ आप वसई में कभी भी आएंगे किसको भी बोलेंगे वाल वांग्याची भाजी तो सबका फेवरेट है। अभी मैं इसके अंदर एक स्लाइस के अनियन डाल रहा हूँ। हमको अनियन को अच्छी तरह सॉटे करके लेने के उसको ब्राउन होने तक, और आंच को आप मीडियम पे रखिए, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको मत बनाइए, क्योंकि कोई भी सब्जी है जो कभी भी मीडियम फ्लेम पे बनेगी जितना उतना ही उसको स्वाद अच्छा आता है और बनने में भी अच्छी बनती है। प्याज को आपको अच्छी तरह भून के लेने का, थोड़ा उसको गोल्डन ब्राउन करने का है प्याज को। जो लेट ज्वाइन हुए हैं उनके लिए मैं वापस एक बार बताना चाहता हूँ कि आज मैं एक महाराष्ट्रियन डिश बना रहा हूँ वसई की, जिसका नाम है वाल वांग्याची भाजी। उसको पावटा सब्जी भी बोलते हैं, पावटा और भाजी सब्जी। ये एक ट्रेडिशनल डिश है। मैंने स्टार्टिंग में घी डाला, आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। ये सब्जी बनाने के लिए आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 3 चम्मच घी डाला, उसके बाद मैंने मस्टर्ड सीड डाला 1 टीस्पून, मैंने जीरा डाला 1 टीस्पून, 7 कड़ी पत्ता डाला, चॉप जिंजर डाला, 1/2 टीस्पून मैंने हींग डाला, उसके बाद मैंने प्याज स्लाइस प्याज डाला। अभी मैं इसको अच्छी तरह भून रहा हूँ। मैं आज को आप मीडियम पे रखिए, ये सब्जी आप अवश्य ट्राई कीजिए। अभी नवरात्रि आ रही है तो उसमें आप ट्राई कीजिए, आपको घर देखिए, आप बनाएंगे तो घर पे सबको पसंद आएगी, इतनी स्वाद बनेगी। प्याज को धीरे धीरे आप भूनिए, स्लो पे, हाई फ्लेम पे मत भूनिए। अगर खाना आप मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे तो कभी भी स्वाद ही बनेगा। वैसे मैं अमूल को भी धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि अमूल ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, जो हमारे जैसे लोग ट्रेडिशनल डिश आपके सामने लेकर आ रहे, जो आपको दिखा रहे हैं। मैं अमूल को भी धन्यवाद बोलना चाहूँगा इसके लिए, जो अमूल, थैंक यू वेरी मच टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू मी। अभी हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन होने को आया है अच्छी तरह से, एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं करने का, उसको हल्का सा लाइट ट्रांसपेरेंट करने का है। अभी मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून टर्मरिक हल्दी डाल रहा हूँ, 1 स्पून लाल मसाला, इसको अच्छी तरह आपको भून के लेने का है मसाले को। फ्लेम आंच थोड़ी स्लो कीजिए, आंच को आपको धीमी आंच पे रखने का है, खाना स्वाद बनेगा। मसाले को हमको जलाने का नहीं है, मसाले को धीरे से भूनने का है प्याज के अंदर, मसाले के अंदर। अभी इसमें 1 वाटी हमको पानी ऐड कर देने का है। ठीक है, मैंने 1 वाटी पानी ऐड किया है, 1 बॉल स्मॉल, जिससे हमारा मसाला जलेगा नहीं।
जब भी आप तड़का लगाए तो तड़का हमेशा स्लो आंच पे ही लगाइए, जिससे मसाला जलेगा नहीं और खाने का स्वाद खराब नहीं होगा, तो खाना हमेशा स्वाद लगेगा। हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो मसाला जलने का डर रहता है, जिससे खाने में आपको थोड़ी सी कड़वावट आ जाएगी। अभी इसको धीरे से थोड़ा सा बॉइल होने चाहिए। वैसे मैं दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि मेरा YouTube चैनल भी है शेफ राकेश राउत के नाम से, शेफ राकेश राउत मेरा YouTube चैनल है, आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो मी, और आप वहाँ पे भी मेरी ये रेसिपी देख सकते हैं। मैं वहाँ पे भी हमारी ये रेसिपी है वाल वांग्याची भाजी, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो आप बाद में उधर भी रेसिपी देख के बना सकते हैं, कभी भी आपको चाहिए तो। मेरा YouTube चैनल भी है शेफ राकेश राउत के नाम से, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थोड़ा सा और पानी डाले, थोड़ा सा मैंने 1.5 कप उसमें पानी डाला है। जैसे ही बॉईल आ जाएगा उसके अंदर मैंने डाला है जो बीन्स वाल, वो डाल रहा हूँ मैं उसके अंदर। उसको अच्छी तरह धीरे से मिक्स करने का है। अगर किसी को अभी तक मालूम नहीं पड़ रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आज वाल वांगे की भाजी बना रहा हूँ। एक वसई की ये फेवरेट डिश है महाराष्ट्र की, इसको पावटा बैंगन की सब्जी भी बोलते हैं। सब्जी को आपको एक 5 मिनट के लिए या 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख देने का है। ये सब्जी आप विदाउट अनियन के बिना भी बना सकते हैं, अगर किसी को अनियन नहीं चाहिए तो अनियन के बिना भी बना सकते हैं। जो मृन्मय चौधरी है मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये सब्जी आप विदाउट अनियन के बिना भी बना सकते हैं, अगर कोई जो जैन है जो अदरक विदाउट अदरक लहसुन की भी बना सकते हैं सब्जी, आप डायरेक्ट उसको तड़का देंगे तो भी स्वाद लगेगा। आप अनियन के अनियन नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं, अनियन की जगह आपको कोई यूज करने का ही है। आप ये सब्जी के ऊपर पानी भी रख सकते हैं, तो आपको जब पानी डालेंगे तो आपको गरम गरम मैंने पानी डालने के लिए इजी हो जाएगा, जैसे हमारे दादी माँ सब वही करते थे, तो मैं आपको वो रेसिपी सब बता रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो सभी को समझ में आया मैं महाराष्ट्रियन डिश बना रहा हूँ जिसका नाम वाल वांग्याची भाजी। मैं एक डिश बना रहा हूँ जिसका नाम है वांग्याची भाजी, जिसको पावटा बैंगन सब्जी बोलते हैं। ये बहुत एक स्वादिष्ट डिश है, ये महाराष्ट्रियन पार्ट ऑफ वसई वसई की डिश है, बहुत ही फेमस है। यहाँ पे शादी त्योहार जो भी रहता है आपको वांग्याची भाजी आपको हर त्योहार में मिलेगी, आपकी फेवरेट है। और मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ कि मेरा YouTube चैनल भी है शेफ राकेश राउत के नाम से YouTube चैनल है, सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल
सो आई कैन शो यू द नाइस वन एक्साइटिंग रेसिपीज, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे। तो सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब किए, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मेरा फेसबुक पेज भी है, आप मुझे भी वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो हमारी सब्जी बन रही है, मैं देखे सब्जी धीरे धीरे सब्जी बन रही है हमारी। मैं आपको वापस एक बार बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक महाराष्ट्रीयन डिश बना रहा हूँ जिसका नाम है वांग्याची भाजी, वाल वांग्याची भाजी जिसको बोलते हैं, पाउटा बैंगन सब्जी इसको हिंदी में बोलते हैं, पाउटा बैंगन सब्जी। ये जो बीन्स है मैं आपको एक आई विल शो यू वन मोर टाइम, दिस इज इस कॉल वाल पाउटा। देखिए ऐसे बीन्स रहते हैं, इसकी सब्जी बनेगी, ये बीन्स की इसको पाउटा बोलते हैं, वाल बोलते हैं, वाल पापड़ी बोलते हैं। इसके अंदर बैगन जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने ये एक्चुअली भी बनती है, घी में भी बनती है, लेकिन आज अमूल का मैं घी, ये स्पेशली अमूल के घी में बना रहा हूँ जिससे ये और भी स्वाद बनेगी, इसकी खुशबू अच्छी आएगी, स्वाद और बढ़ेगा। इसके अंदर मैंने डाला है 3 चम्मच घी डाला मैंने, घी जैसे गर्म हो गया उसके अंदर 1/2 टीस्पून मस्टर्ड, 1/2 टीस्पून जीरा, 7 से 8 कड़ी पत्ता डाला, चॉप जिंजर डाला, हींग डाला 1/2 टीस्पून, उसने सॉटे किया अच्छी तरह से, अच्छी तरह सॉटे किया। उसके बाद मैंने स्लाइस अनियन डाला एक, उसको सॉटे किया, हल्का सा अनियन ब्राउन हुआ ट्रांसपेरेंट, उसके बाद मैंने उसके अंदर डाला 1/2 टीस्पून टर्मरिक और 1 स्पून चिली पाउडर डाला। उसके मैंने उसके अंदर 1.5 कप पानी डाला है, उसके अंदर मैंने पाउटा डाला, बीन्स पाउटा बीन्स डाला, उसको अच्छी तरह पका। अभी हमारी देखिए सब्जी यहाँ पे बन रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर। देखिए हमारे बीन्स अभी पक रहे हैं धीरे धीरे, देखिए सब्जी हमारी पक रही है, देखिए ये पाउटा बैंगन सब्जी बन रही है, उसको मराठी में वाल वांग्याची भाजी बोलते हैं, ये बहुत फेमस महाराष्ट्रीयन डिश है। जो पाउटा है, जो वाल है, उसको हमको 70-80% पका के लेने का इसके अंदर, उसके बाद आपको दूसरी सब्जी ऐड करने की है। अगर आपने पहले ही सब सब्जी डाल दी तो उससे क्या होगा कि आपका जो बीन्स है, वाल बीन्स है, वो कच्चा रह जाएगा थोड़ा सा और बाकी सब्जियां जल्दी गल जाएगी, पक जाएगी। देखो इसको ऐसा दबा के देखने का ये पका है कि नहीं, उसको थोड़ा और टाइम लगेगा पकने के लिए। मैं इसके अंदर वापस थोड़ा पानी डाल रहा हूँ, गरम, ये गरम पानी है, और इसको थोड़ा सा और 1-2-3 मिनट तक पकाऊंगा। थोड़ा सा ऊपर मैं और पानी ऐड कर रहा हूँ, गरम हो जाए तो हमको अगर ज़रूरत है तो हम यूज कर सकते हैं। ये सब्जी बनाने के लिए हमको कम से कम 25-30 मिनट का टाइम लगेगा।
देखिए मैं अभी इसका ढक्कन हटा रहा हूँ। अभी मैं इसके अंदर आलू डाल रहा हूँ। ये बीन्स को अच्छी तरह पका के लेने का है। देखिए अभी हमारे 70-80% बीन्स है जो वाल है जो पकने को आए हैं। तो अभी इसके अंदर मैं बाकी सब्जियां डालना शुरू कर रहा हूँ। एक कटा हुआ आलू लिया है मैंने डाइस। एक कटा हुआ बैंगन, एक ड्रमस्टिक है, और टेस्ट के स्वाद के अनुसार नमक। वन टीस्पून गरम मसाला पाउडर, वन टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके लेने का है। और थोड़ा सा गुड़ डालने का है, जैसे वन स्पून तक गुड़ है ये जैगरी, ये डाला है। सब्जी को अभी धीरे धीरे हिला के प्रॉपर मिक्स कर देने का ऊपर नीचे, जिससे हमारी बाकी सब्जियां भी पक जाएंगी। पर आप ढक्कन रख सकते हैं वापस एक 10 मिनट के, 5 से 10 मिनट हमको पकाने का है उसको वापस। सरोजा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आप राइस के साथ भी आपको स्वाद लगेगी और पूरी के साथ भी स्वाद लगेगी। चपाती खाइए आप चपाती के साथ, या आप भाकरी रहती है जो मराठी महाराष्ट्र स्टाइल रोटी है उसके साथ भी आपको अच्छी लगेगी। आप किसी की सब्जी अच्छी लगेगी क्योंकि ये बहुत स्वादिष्ट सब्जी है। हाँ, सब्जी भी धीरे धीरे पक रही है, उसको मिनिमम 7 मिनट तक लगेंगे। 7 से 10 मिनट के अंदर सब्जी धीरे पक गई हमारी। जो भी व्यूअर्स है उनको समझ में आ रही कि रेसिपी अगर समझ में नहीं आ रही है तो मैं वापस बताना चाहता हूँ कि मैं वाल वांग्याची भाजी पावटा बैगन सब्जी बना रहा हूँ। ये महाराष्ट्र की डिश है, महाराष्ट्रीय डिश वसई की।
मैं आपको अंजू अंजू जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पाउटा बीन्स है, उसको वाल भी बोलते हैं, वाल पापड़ी बोलते हैं, वाल बोलते हैं, पाउटा बोलते हैं। महाराष्ट्र की बहुत महाराष्ट्र में ज़्यादा करके पाया जाता है, बहुत स्वादिष्ट सब्जी है। इसको ये जो बीन्स, उसको हमको इस तरफ छिलके लेने का है, इसका अंदर का जो दाना है बीन्स है उसको निकाल के लेने का है। इसको पाउटा बोलते हैं, पाउटा वाल। मेरा यूट्यूब चैनल भी है शेफ राकेश राउत के नाम से। अगर किसी को रेसिपी वापस देखनी है तो मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये जो वाल वांगे की भाजी बन रही है, सब्जी पाउटा बैगन सब्जी, ये महाराष्ट्र में बनती है, महाराष्ट्रीयन डिश है। महाराष्ट्रीयन डिश है। स्टार्टिंग में मैंने उसमें घी, 3 चम्मच घी डाला मैंने, हाफ हाफ टी स्पून राई डाला, हाफ टी स्पून जीरा डाला मैंने, 8 स्पून हींग डाला, चॉप जिंजर डाला, हाफ टी स्पून प्याज डाला, एक प्याज लंबा कटा हुआ स्लाइस, अनियन डाला, वन स्पून मैंने डाला, 1 टीस्पून टर्मरिक डाला और 1 स्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला। इसकी रेसिपी आप वापस मेरा यूट्यूब चैनल है वहां पे भी देख सकते हैं, शेफ राकेश राउत के नाम से। और मेरा फेसबुक पेज भी है शेफ राकेश राउत करके, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मैं अमूल को एक बार धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि अमूल ने ये जो मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, जो आपको एक ट्रेडिशनल रेसिपी दिखाने का, तो अमूल को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, थैंक यू अमूल। अभी हमारी सब्जी ऑलमोस्ट तैयार होने को आई है, मैं आपको दिखाता हूँ सब्जी हमारी बन रही है, आइए हम लोग सब्जी दिखाता हूँ। वाह, देख बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है, खुशबू बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए ये इस तरह ये सब्जी बन रही है, महाराष्ट्रीयन डिश है। इसको वाल वांगेची भाजी है, वांगी मतलब बैगन। अगर आपको आलू नहीं डालने का है तो आप आलू मत डालिए, आप खाली उसमें बैगन भी डाल बैगन डालना चाहे तो बैगन डाल सकते हैं, ड्रमस्टिक डालना चाहे तो ड्रमस्टिक डाल सकते हैं, आपको जैसा सुटेबल लगता है आप ये सब्जी को बना सकते हैं। बहुत स्वाद सब्जी है, इसको मीडियम आंच पे ही बनाइए और 2 से 3 मिनट लगेंगे हमको सब्जी पकने के लिए। सभी व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा, सभी का धन्यवाद। और आप प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल शेफ राकेश राउत के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल, तो आप मेरा यूट्यूब पर सब्सक्राइब किए, वहां भी आपको ये रेसिपी देखने को मिलेगी। और बहुत सारे ऐसे डिश मैं ट्रेडिशनल कुछ डिश डाल रहा हूँ जो होम मेड है, दादी माँ की रेसिपीज है। मेरा यही प्रयास है कि दादी माँ की भी रेसिपी डालू, थोड़े जो कॉन्टिनेंटल इटालियन भी डालू, क्योंकि जो दादी माँ की रेसिपी है उसका स्वाद कुछ अलग ही है देखने का और खाने का। तो आप प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज है, उसको लाइक कीजिए। अभी हमारी सब्जी ऑलमोस्ट डन होने को आई है, थैंक यू वेरी मच अमूल। मैं अमूल को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ वापस एक बार, जो अमूल ने जो मुझे जो मौका दिया है, चांस दिया है आपको ये रेसिपी दिखाने का, थैंक यू वेरी मच। आइए सब ऑलमोस्ट डन, आइए जब भी आप ये सब्जी बनाएंगे ये जो बीन्स है वाल पक जाएंगे तो आप ये इसको सब्जी को आप निकाल सकते हैं। अभी सब्जी ऑलमोस्ट 80% डन डन होने को आई है।
थोड़ा से और 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट और इसको आप ढक के रख सक, ढक के वापस रख सकते हैं। प्लाव संभाजी उनको हाय बोलना चाहूंगा, उसको भी धन्यवाद दूंगा जो रेसिपी देख रही है, बातें जो जरूर आई है वो सही। वाल वांगे भाजी पावर सब्जी ये आपको बनाएगा अवश्य, दो तीन बार क्या वो जिंदगी में वापस बनाएंगे इतनी बार हो। इसको आपसे 10 से 15 मिनट आपको सब्जी को पके लेके आए जब उबालेंगे। हमारी सब्जी डन हुई है, देखिए हमारी सब्जी बनकर रेडी है। ये आप अवश्य घर पे ट्राई कीजिए, अगर किसी को रेसिपी समझ में नहीं आई या कुछ जिन्हें लेट ज्वाइन किया है तो मेरा यूट्यूब चैनल शेफ राकेश राउत के नाम से, आप वो यूट्यूब चैनल पे भी रेसिपी वापस एक बार देख सकते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो टू सी टू वॉच अगेन दिस रेसिपी, और आप ये अवश्य ट्राई कीजिए। देखिए हमारी सब्जी रेडी है, अभी मैं इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए धनिया डालूंगा। हमारी सब्जी बन रही है, थैंक्स फॉर एवरीवन। देखिए हमारी सब्जी बन रेडी है, वाह वाली भाजी आलू बैंगन सब्जी। ये बहुत ही स्वाद सब्जी है और सबकी फेवरेट है, सब हमारे घर में सबकी फेवरेट है। मैं सभी को धन्यवाद बोलना चाहूँगा जिन्होंने आज ये फेसबुक लाइव को ज्वाइन किया और मुझे ये जो आपको रेसिपी दिखाने का अच्छा एक मौका दिया, थैंक्स अमूल। और अमूल को भी मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल शेफ राकेश राउत के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पर भी ये रेसिपी देख सकते हैं। अगर किसी को बाद में बनाने की या समझ में नहीं आई ये इस रेसिपी आप अवश्य ट्राई कीजिए, बहुत स्वाद भाजी है सब्जी है, आपको पसंद आएगी। और आप ये सब्जी विदाउट अनियन जिंजर के भी बना सकते हैं और स्वाद ही लगेगी, बहुत अच्छी है, दादी माँ की रेसिपी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।
और अगर आपको कुछ भी अगर क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। किसी को अगर समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।